हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। फ्रैक्शन के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, जिन्हें देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू ऐड यानी ऐड करना देखेंगे हम लोग, टू लाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये जानते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक लाइक फ्रैक्शन और दूसरा जो होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये बेसिक थ्री टाइप्स हैं। तो इन्हीं को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि सबसे पहले टू लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद टू अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टू मिक्स्ड फ्रैक्शन तरीके से ऐड करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या है, ठीक है? तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर होता है फ्रैक्शन बार के ऊपर, जैसे 4/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा फ्रैक्शन बार होता है और ऊपर जो लिखा होता है, जो नंबर लिखा होता है, उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। जो नीचे लिखा होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। जब भी कभी दो फ्रैक्शन लिखे हों और उनके डिनोमिनेटर पार्ट अगर सेम है तो वो दोनों फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 1/2 है और यहाँ पर एक मैं 3/2 लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट दोनों के क्या है, सेम है। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो इनको किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे तो वो इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो फ्रैक्शन ले लेता हूँ, एक 3/4 एंड सेकंड है 2/4, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अब अगर हमें इनको ऐड करना है तो इनको ऐड करना बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल से हमें एक बड़ी सी लाइन खींचनी होती है और उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हमें यहाँ पर लिख देना होता है। अब ये हम तभी लिखेंगे जब ये दोनों या दो से और भी ज़्यादा अगर फ्रैक्शन है और उनके वो सारे सारे यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है? वो सारे जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं वो सारे सारे कैसे होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, तभी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये लाइक फ्रैक्शन का है, इसको ध्यान रखना हमें। तो देखो इसमें भी हमारे पास क्या है, 4 है डिनोमिनेटर पार्ट, और इसमें भी हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है? तो जब दोनों में 4 है तब यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। अब जब ये लाइक फ्रैक्शन है यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो ऊपर वालों को सिंपली हमें ऐड कर देना है। यानी 3 यहाँ पर लिखेंगे और प्लस लगाएंगे जो यहाँ पर साइन है और उसके बाद 2 लिख देंगे, ठीक है? अब इसको क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो 3 + 2 = 5 और उसके बाद फ्रैक्शन बार लगाएंगे, उसके बाद नीचे 4 लिख देंगे, ठीक है? तो जो इसका रिजल्ट आया वो आया 5/4, ठीक है? तो इन दोनों फ्रैक्शंस का जो ऐड है वो हमारे पास आ गया 5/4, ठीक है? तो है ना जी, इस तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट है मेरे पास 7/9 एंड नेक्स्ट है 2/9, ठीक है? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारे पास कितना है, 9 है, ठीक है? अब 9 है तो हमें क्या करना है कि अब जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर पार्ट में जो सेम पार्ट है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर उसको सिंपली हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया और उसके बाद प्लस साइन लगाया और उसके बाद 2 लिख दिया, ठीक है? अब इसको हमने क्या किया, ऐड कर देंगे। तो 7 + 2 = कितना हो जाएगा, 9, ठीक है? तो 9/9। अब ये हमारा 9/9 क्या है, ये इसका ऐड रिजल्ट है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है, 9/9 है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और चेंज करेंगे तो 9 में 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है? तो हम 1 भी इसको लिख सकते हैं, या 9/9 लिख दो या 1 लिख दो, यानी कि 9 को 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ये देखें कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनको ऐड किस तरीके से किया जाता है। और उम्मीद है कि ये बहुत ईजी है और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो आगे देखते हैं।
जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, टू ऐड टू अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब लाइक फ्रैक्शन हो तो किस तरीके ऐड करते हैं वो हमने देख लिया। अब हमें अगर अनलाइक फ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो हमें उनको किस तरीके से ऐड करना है वो हम लोग देखेंगे। ये रहा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्लस 3/4, ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारे डिनोमिनेटर पार्ट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो मैं इसमें तुम लोगों को दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट जो तरीका होता है वो होता है हमारे पास कि हमें सेम डिनोमिनेटर करके इनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, ओके, सेम डिनोमिनेटर करके। एंड जो सेकेंड है वो हमारा है एलसीएम मेथड। ठीक है, दो तरीके हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो मैं तुमको दोनों तरीके बताऊंगा, एक सेम डिनोमिनेटर करके कैसे हम सॉल्व करेंगे और दूसरा जो है वो एलसीएम लेकर के हमें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ कि इस डिनोमिनेटर पार्ट को सेम करता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि हम इनको किस तरीके से डिनोमिनेटर पार्ट को सेम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इनके डिनोमिनेटर पार्ट को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4 है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इनको किसी ऐसे नंबर में चेंज करना है ताकि ये सेम हो जाए। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता हो और 4 की टेबल में भी आता हो। अच्छा, इसको सेम जब करेंगे तो ऐड करके नहीं कर सकते, या तो सिंपली सा हमें मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, दो ही मेथड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके पहले रूल में बता चुका हूँ फ्रैक्शन को उसमें, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम जब भी कभी हमें इनके न्यूमरेटर पार्ट या फिर डिनोमिनेटर पार्ट को चेंज करना हो तो हमें दो ही चीज़ें हम कर सकते हैं, यानी कि या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नए सिरे से ले लेता हूँ ताकि और समझ में आ जाएगा। 2/3 प्लस 3/4, ओके, यही हमारे पास था। अब हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर पार्ट को हमें क्या करना है? सेम करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 3 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हमने लिखा 2 और यहाँ पर लिख दिया 3। ओके, अब अगर हम इसमें 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा? नीचे भी 12 हो जाएगा, देखो 3 4 जा 12। ओके, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं, जो काम हम न्यूमरेटर में करेंगे वही काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, या फिर जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम हम किस में करेंगे? न्यूमरेटर में भी करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी ये हमारे पास सेम होगा। ठीक है, तो इसको मैं और साफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या था कि मैंने 4 से नीचे मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कराया। तो हम फ्रैक्शन का एक रूल होता है कि अगर हमें किसी पार्ट को, यानी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर पार्ट को अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 4 से मल्टीप्लाई कराएं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल डिनोमिनेटर में ही 4 से मल्टीप्लाई कराएं, जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम हमें सेम कहाँ करना पड़ता है? न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा कि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और इससे हमारे पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो इससे हमें यही करना है कि जो काम हम
डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो इस वजह से हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये बात समझ में आ गई कि हम क्यों नीचे और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। नीचे हमने इस वजह से 4 से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि यहाँ पर 12 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऊपर हमने क्यों 4 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि ये फ्रैक्शन का रूल है कि हम तभी कर सकते हैं जब हमें जो काम न्यूमरेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, या फिर जो काम हमने डिनोमिनेटर में किया वो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में कराया तो ऊपर भी हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास चेंज होकर के आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 8। ओके, और नीचे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 9 और नीचे कितना आ जाएगा, 12। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब सेम वही का प्रोसेस है कि दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गए, सेम हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब इसमें हमें सिंपली से 12 को नीचे लिख लेना है और 12 नीचे लिखने के बाद ऊपर वाले नंबरों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और प्लस 9। ठीक है, अब 9 और 8 को ऐड करेंगे तो दोनों हमारे पास हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके, तो ये जो हमारे पास आया 17 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 7/9 प्लस 4/5। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है कि देखते हैं कि दोनों हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, अब हमें इनको सेम करना है। ठीक है, तो सेम करना है तो क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करके इनको सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस कंडीशन में सबसे ईजी क्या रहता है कि इन दोनों को, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो और इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 5 को 7 और 9 में मल्टीप्लाई करा दो और 9 को 4 और 5 में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पर 9 में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का। अब क्योंकि हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई कराया है तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर 5 लिखा। ठीक है, 5 में हमने 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कराया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमारी अगर ऐसा नहीं कराएंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो 7/5 = 35 एंड 9/5 = 45। ओके, प्लस नेक्स्ट है यहाँ पर 9/4 = 36 और 5/9 = 45। ठीक है, इस तरीके से, ओके, 45। ठीक है, अब क्या करना है कि अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है, 45, और यहाँ पर भी कितना है, 45। ठीक है, तो दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शन के तरीके हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर सेम बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन के तरीके इनको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी 45 को नीचे लिखना है। ओके, और ऊपर वाले नंबर को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी 35 प्लस 36। ओके, अब 35 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 71। ओके, और डिवाइड में 45। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं 71 डिवाइड बाई 45, ये इसका रिजल्ट है। ओके, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा है, तो ये कौन सा मेथड है कि डिनोमिनेटर को हम सेम करके
किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, टू अनलाइक फ्रैक्शन को, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसमें हम बताएंगे कि एलसीएम लेकर के किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेता हूँ, जिससे हम क्या करना होगा कि हमें एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए मैं इसी को आगे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसे एलसीएम के थ्रू भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 7/9 + 4/5, यही हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट होता है 9 और 5, इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम क्या होता है और इसी से रिलेटेड एक और है एचसीएफ, वो भी क्या होता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें अच्छे से बता दूंगा कि एलसीएम किस तरीके निकाला जाता है और ये होता क्या है, और उसके बाद एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम केवल इतना देखेंगे कि इसका एलसीएम के मेथड से हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 9 और 5 को हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 9 और 5 का एलसीएम 45 आएगा, ओके, ठीक है। 9 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एलसीएम किस तरीके लिया जाता है, मैं उसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जान जाएंगे कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, या फिर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि 9 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 45। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 को हमें 45 में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर को हमें इसमें से डिवाइड करना होता है। तो 9 को जब 45 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 को हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 5। ये चीज़ समझ में आ गई, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 9 जो है, 9 को हमें डिवाइड करना है 45 में, डिवाइड करना है, ठीक है। ये और ये हर एक प्रोसेस में यही करेंगे कि 9 को डिवाइड करना है, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट दिया गया है उसको हमें इसमें डिवाइड करना है, इसमें एलसीएम में, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना है, 45 है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है, तो 9 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर हमारे पास कितना है, 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्लस साइन लगाना है, और यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस करना है जो हमने 9 के साथ किया है, यानी कि डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे 45 में, तो हमारे पास आएगा 9, और जो 9 आया उसको हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 9, ओके, समझ में आ गया। कैसे किया 4 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कि 5 को हमें डिवाइड करना है एलसीएम में, यानी इसमें, ठीक है, इस वाले पार्ट में हमें डिवाइड करना है, ओके। और उसके बाद जो आएगा रिजल्ट उसको हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 9, वही सेम काम यहाँ पर भी किया था, वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है, बस ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 7 5 = 35 प्लस और 4 9 = 36, ओके 36, और जो हमारे पास इसका जो नीचे लिखा हुआ है यानी एलसीएम जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 35 + 36 = 71, ओके, और यहाँ पर 45 लिख देंगे। तो ये देखो इस तरीके से वही सेम जो हमने पिछले उसमें निकाला था 71 / 45, वही सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आ गया है। तो इस तरीके से ये जो मेथड है ये हमारा एलसीएम,
ठीक है, एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक बार आप लोग अगर एलसीएम सीख जाएंगे तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, और ये जब ज़्यादा हमारे पास प्लस या और कई सारी फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना होता है तो उसके लिए ये हमें मेथड अप्लाई करना होता है, और ये थोड़ा सा फास्ट होता है। एक बार एलसीएम ले लिया और उसके बाद फटाफट डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई कराया और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। तो ये कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स लिखें इस वीडियो के। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टू ऐड टू मिक्सड फ्रैक्शंस, ठीक है। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मिक्सड फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम लोग मिक्सड फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। तो ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, और ये बहुत ही इजी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं दो मिक्सड फ्रैक्शन ले लेता हूँ, टू, वन बाई टू प्लस थ्री टू बाई फोर, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, मिक्सड फ्रैक्शन है, ओके। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो ये इसको तुम्हें करना क्या है कि मिक्सड फ्रैक्शन को सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्सड फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में किस तरीके चेंज कर किया जाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसे आप लोग देख सकते हैं, और फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को चेंज करके इसे दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि टू वन बाई टू लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि मिक्सड फ्रैक्शन है। अब इसे अगर कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है कि डिनोमिनेटर पार्ट को इसमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, इन दोनों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, फोर, टू मल्टीप्लाई टू कितना आएगा, फोर। और इसके बाद ये जो न्यूमरेटर लिखा होता है ना, इसको हमें क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है सिंपली। तो फोर प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइव बाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, चेंज होकर के आ गया हमारे पास, ठीक है। तो टू वन बाई टू को हम लिख सकते हैं फाइव बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको दिखाई दे रहा हूँ, तो टू मल्टीप्लाई टू यानी इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे और उसके बाद वन को ऐड कर देंगे। तो टू मल्टीप्लाई टू कितना हो गया, फोर, और प्लस वन करेंगे तो फाइव। तो फाइव बाई टू ये हो गया, प्लस लगाया, सेम वही प्रोसेस में भी करेंगे, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में प्लस टू को और ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन, ठीक है, फोर्टीन बाई बाई फोर, ये हमारे पास आ गया। अब ये किस तरीके से हो गया हमारे पास, अनलाइक फ्रैक्शन के तरीके। तो अब हमें सेम अनलाइक फ्रैक्शन के रूल फॉलो करने हैं, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पर कितना है, फोर है, यहाँ पर कितना है, टू है, तो टू को हम फोर बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, कैसे, अगर हमें इसमें पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि सिर्फ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना होता है, ठीक है। तो या तो हम इसमें क्या करें, टू से इसमें डिवाइड कर दें और ऊपर भी डिवाइड कर दें, या फिर टू से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, फोर में टू से डिवाइड करते हैं तो टू आ जाएगा, या फिर यहाँ इस टू में हमें क्या करें, इस टू में हमें क्या करें कि हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही किया दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या किया कि टू से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक, मल्टीप्लाई करा दिया, ओके। और अगर हमने डिनोमिनेटर में जो काम किया है तो वो काम हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन का रूल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेन डिवाइड बाई फोर, ठीक है, और प्लस ये ऑलरेडी हमारे पास फोर्टीन डिवाइड बाई फोर है। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। अब क्या हो गया कि फ्रैक्शन दोनों के क्या हो, जो दोनों फ्रैक्शन हैं इन दोनों के जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या हो गया, सेम हो गया, यानी फोर और फोर। तो दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पर हम लिख देंगे फोर,
और ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 10 प्लस 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 और 14 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, 24 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से ये जो हमारे पास आ गया 24 डिवाइड बाई 4, ये इसका हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास यही आएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 डिवाइड बाई 4 ये इसका क्या है, रिजल्ट है। तो है ना ये जी, यानी कि सिंपली से क्या करना है कि इसको कॉमन फ्रैक्शन में यानी कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, और उसके बाद इसको हमें सिंपली सा लाइक फ्रैक्शन के तरीके या फिर अनलाइक फ्रैक्शन के तरीके इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इसको और डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर देंगे, 4 को इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, यानी 4 को अगर 24 में डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वी लर्नड अबाउट हाउ वी कैन ऐड टू फ्रैक्शंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव नाइस डे।